बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा आज अपना 48वां जन्मदिन चर्चा उनके आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम की होती है। मलाइका की शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ 12 दिसंबर 1998 में हुई थी, लेकिन 2017 में दोनों अलग भी हो गए। इसका कारण अर्जुन कपूर से मलाइका के रिश्तों को कहा जाता है। आजकल मलाइका अर्जुन के रिश्तों की खूब चर्चा होती है, दोनों को अक्सर साथ भी देखा जाता है। आज मलाइका के जन्मदिन पर हम आपको कुछ खास किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। मलाइका का जन्म 23 अक्टूबर 1973 को महाराष्ट्र में हुआ था। मलाइका अरोड़ा ने अपनी करियर की शुरुआत टीवी चैनल एमटीवी में बतौर वीजे के तौर पर शुरू की थी, लेकिन मलाइका सुर्खियों में तब आई जब शाहरुख खान के साथ ट्रेन की छत पर उन्होंने छैया छैया डांस किया। 1993 में एक कॉफी एड शूट के दौरान मलाइका और अरबाज की मुलाकात हुई। दोस्ती से शुरू हुई ये मुलाकात प्यार में बदली और फिर 12 दिसंबर 1998 को दोनों ने शादी कर ली। मलाइका कई बार अपने और अरबाज के रिश्तों के बारे में मीडिया से बात कर चुकी हैं। मलाइका कहती हैं कि अरबाज बहुत शर्मीले किस्म के बंदे हैं, इसलिए मलाइका को ही आखिरकार प्रपोज करना पड़ा। मलाइका की शादी का एक ऐसा किस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मलाइका और अरबाज की शादी एक ही दिन में 2 बार हुई थी। दरअसल हुआ ये कि मलाइका क्रिश्चियन फैमिली से थी, जबकि अरबाज एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में पहले चर्च में और फिर बाद में मुस्लिम रीति रिवाजों से दोनों की शादी एक ही दिन में 2 बार हुई। ABP News आपको रखे आगे।